एवरीवन, इस वीडियो में देखें बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस स्टैटिक्स का नया सिलेबस जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया हुआ है। तो ये रहा बिजनेस स्टैटिक्स का सिलेबस, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके पीडीएफ रख सकते हो अपने पास। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है बिजनेस स्टैटिक्स का पेपर है वो 100 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से 25 नंबर आपको कॉलेज से मिलेगा और 75 नंबर का आपका यूनिवर्सिटी पेपर कराएगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि 25 नंबर में आपको क्या करना होगा, आपको कॉलेज पे किस बेसिस पे मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 25 मार्क्स जो है आपका असाइनमेंट पे 4 मार्क्स है, आपको असाइनमेंट कुछ टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर बनाना होगा और 4 क्लास टेस्ट होगा जो कि 4-4 नंबर का होगा, तो यहाँ से आपको टोटल हो गया 20 नंबर। और 5 नंबर जो है ओवरऑल परफॉर्मेंस यानी डिसिप्लिन, आप क्लास की हो कि नहीं की हो इस चीज़ पे मिलेगा। तो ये टोटल 25 मार्क्स हो गए। अब देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है। इस बार बिजनेस स्टैटिक्स में टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 जो है इंडियन स्टैटिक्स मीनिंग अबाउट फादर ऑफ इंडियन स्टैटिक्स, इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स मीनिंग स्कोप इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिस्टिकल यूनिट मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेंसर एंड सैम्पलिंग, कलेक्शन ऑफ डाटा प्राइमरी सेकेंडरी डाटा, एडिटिंग ऑफ डाटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिकल सीरीज, टेबुलेशन ऑफ डाटा डायग्रामेटिकल एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो ये सारी चीज़ें हमें यूनिट फर्स्ट में पढ़ने हैं। वहीं यूनिट सेकेंड की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन मीडियन मॉड ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन रेंज क्वार्टाइल परसेंटाइल क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड वेरिएंस टेस्ट ऑफ स्क्यूनेस एंड डिस्पर्शन इट्स इम्पोर्टेंस कोफिशिएंट ऑफ द स्क्यूनेस। तो ये सारे टॉपिक जो है यूनिट सेकेंड में पढ़ने हैं। वहीं यूनिट थर्ड की बात करें तो कोरिलेशन मीनिंग एप्लीकेशन टाइप एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, स्कैटर डायग्राम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये सारे टॉपिक जो है हमें यूनिट थर्ड में पढ़ने हैं। वहीं अगर यूनिट फोर्थ की बात करें तो इंडेक्स नंबर मीनिंग टाइप्स एंड यूजेस मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग प्राइस इंडेक्स नंबर फिक्स बेस मेथड चेन बेस मेथड बेस कन्वर्जन डिफ्लेक्टिंग एंड स्लाइसिंग कस्टमर प्राइस इंडेक्स नंबर फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर रिवर्सिबिलिटी टेस्ट टाइम एंड फैक्टर एनालिसिस ऑफ अ टाइम सीरीज मीनिंग इम्पोर्टेंस एंड कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज डीकम्पोजिशन ऑफ अ टाइम सीरीज मूविंग एवरेज मेथड एंड मेथड ऑफ अ लीस्ट स्क्वायर। तो ये सारे टॉपिक्स को इस बार आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा बिजनेस स्टैटिक्स का सिलेबस।